आ गई, मैं आप तक पहुंच गई माता रानी, अब तो मेरी मन्नत सुन लीजिए। आप तो सारे जगत की माता हो ना, पर आपका एक बेटा न जाने कहां किस हालत में है। प्लीज मुझे मेरा जीत लौटा दीजिए, वो जहां भी है उसकी रक्षा कीजिए। मेरे जीत की जिंदगी आप ही के हाथों में है माता रानी, प्लीज मेरे जीत को वापस ले आइए। कहीं इस कमरे में तो नहीं है? नहीं औरत, इतनी सारी राशि। मन्नत मांगती हूँ कि मुझे मेरा जीत लौटा दीजिए, वो कहीं भी किसी भी हालत में हो, सारी मुश्किलों और बाधाओं को पार करके वो सही सलामत वापस आ जाए। अगली बार मैं यहाँ अपने जीत के साथ आऊंगी और ये धागा खोलकर पानी में विसर्जित करूंगी। नमस्ते।
तो वैसा ही धागा जैसे जैसा उस दिन अनामिका जी के हाथ में था। उनसे सवाल पूछते पूछते उन्होंने ऐसे ही धागे में गांठ बांधी थी, लेकिन ये इसके पैरों में क्यों बंधा हुआ है? धागा तो सबके पाँव में बंधा हुआ है। कौन है ये सब? आपको कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? 16 बार शादियां की है हम। 16 लाशें? जीत, अनामिका जी, अब क्या करूं? क्या हुआ, इतना हाँ क्यों रहे हो? वो मैं एक्सरसाइज कर रहा था, शायद इसीलिए। फिर से आपने तो कहा था कि आपका सर दुख रहा है। वो मैं चलिए छोड़िए, आप आराम से कॉफी पीजिए। पीजिए ना। आप कॉफी पीजिए, हम अभी आते हैं। जीत, जल्द से जल्द यहां से बाहर निकलना होगा। कुछ तो पता चला होगा जीत के बारे में इंस्पेक्टर। देखिए, हमने सारा मोहाली छान मारा है, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। समझ में नहीं आ रहा है कि जीत आखिर गया तो गया कहां। यहां तक कि हमने पंजाब के सभी पुलिस स्टेशनों में
जीत के फोटोग्राफ्स भेज दिए, वो लोग भी ढूंढ रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। We are doing our best. But your best is not enough, Inspector. हमें कुछ और ही करना पड़ेगा। Actually, Inspector साहब, वो क्या है ना कि जीत दो दिनों से गायब है, इसलिए हम सब बहुत ज्यादा परेशान है। प्लीज कुछ कीजिए। मैं समझ सकता हूँ। एनीवेज, कोई भी इंफॉर्मेशन मिले आप हमें जरूर बताएं, राइट? यस सर। पुष्पा, रानो कैसी है? जी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जीत के कमरे में आराम कर रही है। वो भी परेशान चल रही होगी, मिल के आता हूं उससे मैं। जी सुनिए, आप कहां जा रहे हैं? बोला ना, हम रानो को मिलने जा रहा हूं। रानो? जी वो रानो। क्या हुआ जसलीन? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं पापा जी। सुनिए, रानो कमरे में नहीं है। क्या? और अभी तो तुमने कहा कि कमरे में है वो। पापा जी, रानो जीत के कमरे में नहीं, मेरे कमरे में सोई है। ठीक है, वही मिल लेता हूँ उससे। सुनिए, आप बैठिए ना, जसलीन चाय लेके आओ, आइए ना। क्या हुआ पुष्पा, कुछ छुपा रहे हो मुझसे? रानो ठीक तो है ना? बेबे। हाँ पुत्र। बेबे रानो को नीचे भेजना। कहाँ है रानो? आप लोग चुप क्यों हो? अरे बताते क्यों नहीं कि रानो कहाँ है? पुत्र जरा आराम कर। रानो कहाँ है बेबे? रानो घर में नहीं है। आप लोगों ने उसे अकेले उस मंदिर में जाने क्यों दिया? आप लोगों को पता है ना कितना खतरनाक रास्ता है उस मंदिर का, कितनी खतरनाक पहाड़ियां हैं वहां पर, रोजाना कोई ना कोई हादसा होता है वहां पर। परवीर जी, वो मन्नत। अरे मन्नत और पूजा के लिए और भी तो मंदिर हैं, तो वही मंदिर क्यों? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी गलती आप लोगों से कैसे हो गई। अरे वैसे ही परेशान चल रहे हैं और रानो को अगर कुछ हो गया ना तो कभी माफ नहीं करूंगा आप लोगों को मैं। कभी माफ नहीं करूंगा। लगता है अंकल जी को पता चल गया मैं यहाँ आई हूँ। रानो? अंकल जी, मैं मंदिर पहुंच चुकी हूँ और मैंने एक सुहागन की तरह जीत के लिए मन्नत भी मांग ली है। रानो, उधर इस तरह वहां जाने की क्या जरूरत थी बेटा? मैं जानती हूँ अंकल जी आप मुझसे नाराज हैं, और मैं ये भी जानती हूँ आप मुझे माफ भी कर दोगे,
क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ जीत के लिए कर रही हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे जीत को अब कुछ नहीं होगा, वो जरूर वापस आएगा। हाँ बेटा, तेरी मन्नत पूरी हो जाए, हम सब भी यही चाहते हैं। जल्दी वापस आ जाए बेटा, बस। जी अंकल जी। मेरा जीत जरूर वापस आएगा, वो जरूर लौट कर आएगा अंकल जी, वो आएगा। कौन है ये औरत, क्या है ये सब, अपने घर पे इसने डेड बॉडीज क्यों रखी हुई है, ये अचानक सड़क पे इतना फॉग कैसे आ गया, कुछ दिख ही नहीं रहा हमें, दूर तक सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। आपके हाथों से खून बह रहे, हमें जख्म पसंद है। मैडम नीचे आइए, ये तो खून गई। क्या खुशबू है यार, परफ्यूम कौन सा लगाती है ये कार यहाँ, पर ये चाबी तो मेरे पास है। आपको कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? 16 बार शादियां की है हम, वो लाशें, वो खुशबू, क्या है ये सब, यहां से निकलना पड़ेगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं वो
ये क्या किया आपने? आपने तो अपना हाथ जला दिया।